जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए रुक करते हैं आज की खबर पर। खरगोन से देवली मार्ग की मांग विगत कई वर्षों से चल रही थी, इसके बावजूद भी आज तक पक्का रोड नहीं बन पाया। राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी को शिकायतें कर रहे हैं लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। मंगलवार को भी ग्रामीण देवली से खरगोन पक्का मार्ग बनाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि विगत 25 से 30 वर्षों से रोड नहीं बना है, अधिकांश ग्रामीणों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हमारे देवली के लिए 30 साल से मांग करे रोड की, अभी तक कितने विधायक आ गए, कितने आ गए, कलेक्टर साहब को दिया, शिवराज सिंह को दिया, बाल कृष्ण पाटीदार के पास उसके ढाबे पे गए, मगर रोड नहीं बनना है। रोड से हमारी 3-4 समस्या है। एक अस्पताल संबंधी, लड़कियां स्कूल पढ़ने आती है तो खरगोन आने में उनको एक ही गाड़ी चलती है, दूसरा उनके आगे बैलगाड़ी से रास्ता मंडी से यही लगा हुआ है खरगोन रास्ता, इसी बैलगाड़ी से कोठा देवली ये 4 गाँव के लोग आते कपास मंडी में अनाज पानी या कुछ भी काम, रोजी रोटी के लिए लड़के लग जाए तो जाने का साधन नहीं है, साइकिल वगैरह मोटर एक मोटर चलती है, नहीं तो 200-400 लड़के बेचारे काम पे लग जाए। ये कितने किलोमीटर का रोड बनाना चाहिए? 9 किलोमीटर की हमारी मांग है। अच्छा, शादियाँ खरगोन से साजिश शेख की रिपोर्ट।